सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज भाई मैं आप लोगों को पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था मेरे बर्थडे को विश करने के लिए। एंड थैंक्स टू एवरीवन। एक्चुअली देखो, इट्स नॉट पॉसिबल सबको पर्सनली रिप्लाई करना। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा DMs आ रखे थे इनफैक्ट, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार एक ब्लॉग में ही आप सबको थैंक्स बोल देते हैं कि आप लोगों ने विश किया। थैंक्स टू एवरीवन अगेन। तो अभी पहले चल रहा है फ्यूल अप कराने। एंड आजकल का जो वेदर है ना यार, मत पूछो, बिल्कुल नहीं निकलने का हिम्मत हो रहा है। आई एम थिंकिंग कि कैसे मैं डेली व्लॉग करूँगा और डेली का ये जो कंटिन्यूटी, इसको कैसे मेंटेन रखूँगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर अराउंड 45 चला जा रहा है दिन का। तो पहले फ्यूल अप कराते हैं यार, अपनी बाइक रिजर्व में जा रखी है। तो अभी जो हमने फ्यूल अप कराया, पेट्रोल का प्राइस था 116 रुपीज़ पर लीटर। मतलब सोच लो, मैं बार बार ये बोलता हूँ वीडियो में इसलिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना कि बाद में जब अपनी वीडियोज़ देखें तो उसमें ना पता रहे कि भाई लास्ट टाइम मतलब हमने जो फ्यूल अप कराया था तो कितने का कराया था, या फिर कुछ सालों के बाद अगर हम लोग वीडियो देखें तो हम लोग को ये चीज़ थोड़ा याद रहे कि हम लोग 116 रुपये लीटर भी पेट्रोल का भी भरवाया करते थे। एंड आई नो फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक होने वाला है। तो अभी साथ में अपने V2 एंड V4 अपने पास, तो समझ लो R15M वर्सेज R15 V2। ऑल्दो R15 V2 एक टाइम पर मतलब वन ऑफ माई ड्रीम बाइक में हुआ करता था, एंड स्टिल इसका जो बैक वाला पोस्चर है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। मतलब मुझे अभी तक इसका जो बैक है वैसा सक्सेस बैक ना V3 का लगता है ना अपने R15M का लगता है। इसका जो बैक वाला सीट आप देख सकते हो गाइस, कितना अमेजिंग है। बहुत ही शार्प बनाई हुई है इस बाइक को यार, कंपनी ने मतलब बहुत ही सोच समझ के निकाला होगा। एंड यार इस बाइक ने ना इंडियन मार्केट में भाई कमाल कर दिया था। लाइक R15 के बाद तो जो ट्रेंड आया था, क्योंकि उससे पहले स्पोर्ट्स बाइक में लोग कोई भी इतना पैसा नहीं लगाया करते थे, लोग नॉर्मली बाइक ओन करते थे कोई भी नॉर्मल बाइक के लिए, क्योंकि उस टाइम लोग को इन सब चीज़ों का शौक नहीं था, लोग सिर्फ डेली कम्युनिकेट करने के लिए बाइक यूज़ किया करते थे। बट धीरे 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 220 ने फिर रिवॉल्यूशन लाया, तो ऐसे करते करते भाई अभी आज के डेट में मतलब इंडियन मार्केट में भी सुपर बाइक्स का क्रेज़ हो रखा है, एंड साथ ही साथ ऐसे स्पोर्ट्स बाइक का भी। तो मैंने काफ़ी दिन से सोच रखा था कि R15 V2 वर्सेज R15 V4 करेंगे, क्योंकि दोनों बाइक ना 150 cc इंजन है, बट साथ ही साथ ना दोनों में पावर काफ़ी अच्छा है, वो भी बाइक 148 जाती है। तो देखा जाए तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं है, बिल्कुल रॉ मशीन है, बट पावर काफ़ी सही है उस बाइक में भी। ओप्स, शिट 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 शिट। पता नहीं कैसे मेरी बाइक ही स्लाइड कर गई, मतलब बाइक गिरी नहीं बट बाइक रखनी पड़ गई मुझे। ओफ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी आके जाके रुकते हैं, देखते हैं बाइक में कुछ हुआ तो नहीं ना यार। अचानक से ना बाइक बंद हो गई थी, पूरी की पूरी बाइक ही बंद हो गई। मेरे को तो सीरियसली समझ में नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्यों, ना मेरी बाइक किसी चीज़ में टच हुई ना कुछ भी। और ना एक मोमेंट पे जाकर ऐसा हो गया था, लाइक मेरे हाथ में बाइक होल्ड करके रखो मैंने, बट उस टाइम किसी ने भी उठाने नहीं आया मुझे, मतलब कोई हेल्प नहीं किया। तो लास्टली मैंने बाइक को फिर नीचे रखा एंड फिर मैंने उठाया। चलो कोई नहीं, होते रहते यार। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे से ऐसा हुआ कैसे, मतलब हाउ कैन आई बी सो डंब कि मैंने बाइक को ऐसे नॉर्मली रोड पे रख दिया। हुफ,
ऑल थैंक्स कि मैंने अभी GoPro ऑन करके रखा था सो दैट ये क्लिप रिकॉर्ड भी हो गया एंड मैं बाद में ये चीज़ देखूँगा कि मेरी गलती कहाँ पे थी इसमें। आई एम स्टिल शॉक्ड कि मेरे साथ अभी जो हुआ है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हुआ ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है ये चीज़। लाइक कोई सेंस नहीं था यार, कुछ भी नहीं, 1% भी ऐसा नहीं कि लाइक बाइक कहीं टच हुई या कुछ भी। बट टर्न करते करते अचानक से बाइक मतलब ऐसे लीन कर गई, उसके बाद उठ ही नहीं रही है मेरे से। और ऊपर से अभी मैंने टैंक भी फुल कराया था तो थोड़ा बाइक का वेट और भी ज़्यादा हो गया था। एंड आई गेस मेरा ये वाला जो मिरर है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, या क्योंकि ये एलन की पे होता है फिक्स्ड एंड एलन की स्क्रूज जो होता है ना वो वाइब्रेशन से बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाते हैं। एंड ये वाला जो मिरर है, मतलब कोई भी मिरर R15 पे, वो ना बाइक के स्टे पे लगा रहता है और स्टे जो है वो सीधा सीधा चेसिस से कनेक्टेड होता है, तो इसकी वजह से उस पर वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा आता होगा ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा ही है और इसलिए तो क्या ही बोलूँ। अभी तो मैं रुक के गाड़ी को देखूँगा अच्छे से कि एक्चुअली जितने प्यार से मैंने रखा उसका फ़ायदा हुआ या नहीं। और भाई ये क्या कर रहा है ऐसे बीच रोड पे यार। ऑल थैंक्स कि बाइक आई गेस सिर्फ इस पे रह गई, नीचे रखने ही नहीं दिया मैंने। एंड यहाँ पे भी कोई भी एक डॉट, माइनर डॉट भी नहीं है, थैंक गॉड। मेरी तो मतलब समझो फट गई थी एक पल के लिए कि अब मुझे बाइक नीचे रखनी पड़ेगी, बट कुछ नहीं हुआ। वरना मेरा दिल बहुत घबरा रहा था उस टाइम, सीरियसली बता रहा भाई। ये क्या कर रहा है, ये ही क्या कर रहा है यार, मतलब ये करना क्या जा रहा है। तो गाइस कसम से बोलो तो भाई मज़ा आ गया आज, बट उतना ज़्यादा नहीं, आई नो दैट। तो गाइस आज के वीडियो को इतना रखेंगे शॉर्ट एंड सिंपल। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। एंड या गाइस मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ। जल्दी से कमेंट करके नीचे बता दो कि आपको अगली वीडियो किस बाइक पर चाहिए।